बीजेपी आलाकमान ने तय कर लिया कि यूपी में योगी ही उपयोगी हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी में सीएम और डिप्टी सीएम मौर्य के बीच गड़बड़ी की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। रोजाना खबरें उड़ रही हैं कि सीएम योगी और डिप्टी सीएम मौर्य के बीच कुर्सी की जंग चल रही है, और खींचतान की इन्हीं खबरों के बीच सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली में मौजूद हैं। लेकिन जी न्यूज को बीजेपी के विश्वसनीय सूत्रों से कंफर्म हुआ कि यूपी के मुख्यमंत्री अगर कोई रहेगा तो रहेंगे योगी आदित्यनाथ, और केशव प्रसाद मौर्य का कोई चांस नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी यह है कि यूपी की सत्ता में परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, यानी योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में रहने वाला है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को यह मैसेज दे भी दिया है। कल यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी चार शब्दों में बताया था कि यूपी में योगी ही सीएम रहेंगे। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है उसको लेकर, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है उसको लेकर, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो अब सवाल ये नहीं कि क्या योगी यूपी के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, सवाल ये है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक यूपी के उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। क्योंकि जिन सूत्रों ने योगी के सीएम बने रहने की बात को पक्का किया, उन्हीं सूत्रों ने जी न्यूज को बताया कि बीजेपी हाईकमान डिप्टी सीएम मौर्य की बयानबाजी से खुश नहीं है। मौर्य को सार्वजनिक बयानबाजी से बचने की सलाह दी गई। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी हाईकमान दोनों उप मुख्यमंत्रियों के कामकाज और उनके बाकी चीजों पर मंथन लगातार कर रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में दोनों डिप्टी सीएम को लेकर फैसला किया जा सकता है। बात आईने की तरह साफ हो गई, यानी यूपी के बॉस तो योगी रहेंगे, और अगर मौर्य और पाठक को डिप्टी सीएम रहना है तो योगी योगी कहना है। ये बात योगी के एक्शन में दिख रही, जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिल्ली पहुंचे। सीएम योगी ने आज सबसे पहले नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने यूपी को लेकर अपनी सरकार का रोड मैप पीएम मोदी के साथ शेयर किया। यह सबूत है कि यूपी में योगी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसके बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक थी, सीएम योगी मौजूद थे। यहां भी उनकी सिटिंग पोजीशन देखी गई तो पता चलता है कि यूपी के बॉस तो वही हैं और वही रहने वाले हैं। इस बैठक में पीएम मोदी मौजूद थे, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, गृहमंत्री अमित शाह मौजूद थे, और इस बैठक में यूपी के आगामी उपचुनाव को लेकर चर्चाएं हुई और सीएम योगी ने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी। तो ये सारी बातें साबित करती हैं कि बीजेपी हाईकमान ने सीएम योगी को उपयोगी माना, और इसका एक ही मतलब निकलता है, यूपी में योगी रहेंगे सीएम। Zee News.